जिन्होंने पत्थरबाजी की, जिन्होंने जिन्होंने रामगोपाल को छलनी कर दिया, उसकी जान ले ली, उसकी हत्या कर दी, और वहीं दूसरी तरफ वो भी जो सड़क पर उपद्रव मचा रहे हैं। बिल्कुल सही सूचक है, बड़ा स्पष्ट और अनएम्बिगुअस ये संदेश है कि एसटीएफ चीफ और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश का वहां जाना, और ये दिखाता है कि जिस वक्त प्रशासन को नंगी तलवार हो जाना चाहिए तो ये नंगी पिस्तौल यही इंगित करती है कि जो बवाल करेगा, कानून हाथ में लेगा, तो उसके परिणाम भोगने के लिए भी तैयार रहे। लेकिन अगर मैं चाहता, मेरा ये परामर्श होगा कि अगर ड्रोन टेक्नोलॉजी से छतों पर जा करके एक एक पत्थर, एक एक पिस्तौल, एक एक पेट्रोल का पता लग सकता था, एडवांस इंटेलिजेंस की प्रिवेंटिव अरेस्ट हो सकती थी, वो भी अगर हो जाती तो काम और आसान हो जाता। बहरहाल अगर नहीं हुआ, कम से कम अब अमन कमेटी शांत खत्म करके जगह जगह अमन कराए और विश्वसनीयता की क्रेडिबिलिटी हम अपनी बढ़ाएं, अपनी क्रेडिबिलिटी जब बढ़ाएंगे तो जनता हमारी बात सुनेगी। और जिस तरीके की, जैसे हम लोगों के जो पैनलिस्ट मुमताज साहब हैं, हसन साहब हैं, आचार्य विक्रमादित्य जी हैं, शर्मा जी, ये जाके जनता से अपील करें अमन के, तो इनकी बात सुनी जाती है। ऐसे मौके पे पुलिस की आवाज बिल्कुल कचरा खाने में तूती की आवाज की तरह हो जाती है और उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप बनने लगता। बेहतर ये होगा जनता और हमारे जो नेतृत्व कर रहे हैं जनता के, अमन समिति की तरफ से जनता को अपील करें कि अमन कायम रखे, पुलिस के साथ कोऑपरेट करें, आपराधिक सूचना दें और ये बता दें कि अगर जो पकड़ा जाएगा कानून आपने लेने दें तो ये उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी, चल कर संपत्ति फुट होगी और एनएसए में सालों साल का हिसाब हो जाता है, कैरियर हो जाता है खत्म। देखिए जब मैं करके और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर पैरामिलिट्री फोर्स के फ्लैग मार्च और ये होने ही चाहिए। मैं एक सीधा सवाल पूछ रही हूँ, आप के शर्मा जी और अजीज खान साहब को स्क्रीन पर ले लीजिए एक बार। के शर्मा जी देखिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की बहुत जरूरत है। बहराइच की तस्वीर अभी मैंने इस बार, और ना जाने कितनी डिबेट्स मैंने इस बार, मुझे लगता है पिछले कुछ महीनों में इस पत्थरबाजी को लेकर कर ली होंगी। मुझे हैरानी हो रही है, इस तरह की घटनाएं अचानक से कहां से बढ़ रही हैं। कोई त्यौहार मनाने जाता है वहां पत्थरबाजी हो जाती है, किसी का पर्व है, हम त्योहारों में, अब इसमें बहुत से लोग एक सवाल उठा रहे हैं कि भाई हिंदू त्योहार पर हमला हो रहा है बार बार, हिंदू पर्व के दौरान पत्थरबाजी क्यों होती है? ये जब खासकर त्योहार का समय है, हमें पता है विसर्जन है, तो इसमें तो एक्स्ट्रा विजिल होना चाहिए के शर्मा जी, खास तैनाती। नहीं, इसका खास तैनाती ही नहीं है, इसीलिए आप पूरे उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान में जो आप जगह जगह दंगे देखते थे, आज वो सीमित एकाध दो जगह में सीमित हो गए। लेकिन अभी जो प्रश्न उठा रहे थे यहाँ कुछ कांग्रेस समर्थित लोग और जो सपा के लोग कानून व्यवस्था पे, तो एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। गढ़वा में तो कांग्रेस समर्थित सरकार है, तो वहाँ के लिए क्या कहेंगे आप? पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ कल, उस पर क्या कहेंगे? खुद का फेले और नहीं मानेंगे। मैं कहता हूँ देश में कहीं नहीं होना चाहिए, और नहीं मानेंगे। लेकिन दूसरों के लिए हाँ पता है, राहुल गांधी जवाब देंगे। अरे राहुल गांधी जैसा सांप्रदायिक व्यक्ति तो मिलेगा? गांधी परिवार को के अलावा करते क्या? बीच में मत बोलो भाई, आपकी फेल हो गई सरकार, एक्सेप्ट करो। लाल मिर्ची है क्या तुम्हारे? अच्छा, मिर्ची हो गई है क्या तुम्हारे? बीच में चल रहा है ये ऐसे डायलॉग को, तो समाज में ये होगा ना, मेरे दिमाग तो साफ करो, अपनी जबान साफ करो। अच्छा, एक एक करके ठीक है, आप दोनों से अनुरोध है, एक एक करके बात कर लेते हैं। मुद्दे पर रहते हैं। के शर्मा जी, नहीं जवाब प्लीज। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, देखिए अभी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था कि इस तरह से क्यों हो रहा है। ये इस तरह इसलिए हो रहा है सत्येंद्र जी, क्योंकि हाँ। इस तरह के जो आपराधिक तत्व हैं, उग्रवादी तत्व हैं, इनको किस राजनीतिक दलों का संरक्षण है, इसको दो उदाहरण से आप समझ सकते हैं। जैसे ही अपराधी पकड़ा जाता है, अपराधी का जाति और धर्म, ये कांग्रेस पार्टी का नेता हो या समाजवादी पार्टी का नेता, वो जाति और धर्म लेके खड़ा हो जाता है। साहब, इस जाति के लोगों को क्यों पकड़ा, इस धर्म के लोगों को क्यों पकड़ा? और भाई राहुल गांधी तो बकायदा कह चुके हैं कि मैं मुसलमानों की पार्टी हूँ, कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी की दुकान है, तो पक्ष राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान करी है, आपकी जैसे जहरीली दुकान नहीं करी है। हिंदुओं के बाद में राहुल गांधी आपकी इतने दोनों डबल इंजन का आगे फेल हो गए, डबल इंजन फेल हो गए आपके। अपने प्रशासन की विफलता मानते नहीं हो, इंटेलिजेंस की फेलियर मानते नहीं हो, ठीक है, ये कब तक राहुल गांधी के पीछे छुपोगे? अच्छा ठीक है, अजीज खान साहब के पास जाएंगे। हाँ, अब एक मिनट मुझे बात पूरी कर कंप्लीट करिए के शर्मा जी, कर लीजिए। राहुल गांधी जो आए दिनों हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं,
खुलेआम कहते हैं कि जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई वो नाच गाना था, तो इससे किसको बल मिलता है? और एक तरफ कहते हैं कि मैं जो कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, तो ये किसको बल दे रहे हूं, ये किसको इस बात का सह दे रहे हैं? उन्हें ये पता है कि इस तरह के आपराधिक तत्व अभी आएंगे, अपराधियों को पता है, तो हमें बचाव करने के लिए मैं एक बार बड़ी खबर बता रही हूँ के शर्मा जी। अभी अभी अखिलेश यादव, इसीलिए अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट किया हुआ है, अभी उन्होंने एक पोस्ट किया है अभी अभी। अजीज खान साहब जरा सुन लीजिए, उन्होंने कहा चुनाव का आना और सांप्रदायिक माहौल का बिगड़ जाना ये इत्तेफाक नहीं है, जनता सब समझ रही है। हार के डर से हिंसा का सहारा लेना किसकी पुरानी रणनीति है सब जानते हैं, ये उत्तर प्रदेश चुनाव की दस्तक है। अब वो ये लिख रहे हैं। अब सीधा सवाल ये है कि ये इस तरह की सर ये माहौल इस वक्त ऐसा है कि इसमें ये ठीकरा फोड़ा जाए कि ये चुनावी दस्तक है, ये किया कराया है, ये जानबूझकर हिंसा कराई जा रही है, लोगों की जान चली गई है वहां पे। सर खान साहब देखिए, सुचेता जी दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अभी के शर्मा जी तमाम बातों को किया, उन्होंने बहराइच पर उन्होंने गंभीरता से कोई बात नहीं की, उन्होंने पता नहीं कहां कहां बात की। वो कह रहे विपक्ष जवाब दे। अब आप देखिए छत्तीसगढ़ में भी आज घटना हुआ है, विपक्ष जवाब दे। महाराष्ट्र में इतनी बड़ी वारदात हुई, जेल से किस तरह नक्सल चलाया जा रहा है, साहब कौन जवाब दे? विपक्ष जवाब देगा उसका। आप देखिए किस तरीके की घटना हुई। अभी लखनऊ में एक कस्टोडियल डेथ हुआ है, किस तरीके से एक समाज के लड़के को, पीडीए समाज के लड़के को किस तरह से उसको उसका मर्डर कर दिया गया, हत्या कर दी गई, इसका कौन विपक्ष जवाब देगा? आप जिस तरह आगजनी हो रही है, जिस तरह वहां पर डेथ हुआ, एक 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 शख्स की मौत हो गई, आप इस बात को समझे विपक्ष जवाब देगा? आप सत्ता में आप बैठे हैं, आप पुलिस आपके पास है, तंत्र मंत्र आपके पास है, आप विपक्ष से सवाल नहीं नहीं आप साफ जवाब नहीं देंगे, आपसे जवाब कोई मांग भी नहीं रहा है। अजीज खान साहब आपसे जवाब नहीं मांग रहे, जवाब तो के शर्मा जी देंगे। नहीं नहीं सुचेता जी प्लीज, नहीं 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 आप बोलिए ना सर, लेकिन सुन लीजिए ना, सवाल आपसे नहीं है, जो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जिसकी है वो जवाब देगा, यानी के शर्मा जी की पार्टी जवाब देगी। मेरा सवाल दूसरी चीज को लेकर है, मेरा सवाल ये है कि इस समय पे इस तरह के सवाल उठाना, एक और तस्वीर सामने खड़ी कर देना कि ये जानबूझ के किया करा है, ये सही है क्या? देखिए एक बात आपको पता है सुचेता जी, कि बीजेपी का चरित्र ये रहा है, बीजेपी इस चीज के लिए जानी जाती है, तो आज कहीं ना कहीं लोगों के मन में गुंडों और मवालियों की पार्टी बोल रही है। अभी देखा, सुनिए एक मिनट सर, गुंडों मवालियों की पार्टी बोल रही है। अरे भाई अभी ये तरीका नहीं, सुचेता जी रुकिए, इसी नाम से बोलने दीजिए ना, एक बार वो अपनी बात कर ले, वो बोलते हैं। हाँ ठीक है, हमारा तरीका अपने टर्न पे बोलते हैं। बीजेपी साहब की बात आज मुझे वाकई में बहुत पसंद आई, वो एक पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं। आप देखिए किस तरह उन्होंने शुरुआती दौर में अपने काउंटर को दिया कि पुलिस को सतर्क रहना चाहिए, शासन सत्ता को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जब इस तरीके का जुलूस निकलता है तो कोई भी उन्माद पैदा हो सकता है और कोई भी शख्स उसमें उन्माद पैदा कर सकता है, वो किसी भी धर्म संप्रदाय का शख्स हो, कानून से जो भी छेड़खानी करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए। और कुछ देखिए डीजीपी सर ने यहाँ पर ये बताया भी है कि ये बहुत जरूरी है कि आप सब लोग एक फेथ इंस्टिल करें, यानी कि भरोसा अपने अपने लोगों में, अपने अपने जो फॉलोअर्स हैं उनमें इंस्टिल करें।